लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलो अब जल्दी, कॉलेज में देर हो रही है। ठीक है भैया, आई अंडरस्टैंड। वैसे भैया, मेरे कॉलेज की जिन लड़कियों के पीछे आप पड़े हुए हो ना, कभी कभी वो लेट भी आती हैं और कभी कभी तो आती ही नहीं। तो तुम्हें लगता है कॉलेज की लड़कियों के पीछे मैं पड़ा हूँ? अरे वो मेरे आगे आगे घूमती है, इसमें मेरा क्या कसूर है? राजोब, कसूर आगे चलने वाली लड़कियों का नहीं होता है बेटे, पीछे पीछे चलने वाले लड़कों का होता है। और अगर तुम्हें ये शिकायत है कि लड़कियां तुम्हारे आगे चलती हैं, तो तुम एक काम करो, कल से तुम लड़कियों के आगे चलना शुरू कर दो। जवाब दो। ओ हाँ, ऑफ। हाँ, गुड आइडिया सर, कल से मैं कोशिश करता हूँ। दूसरी बात, अब से ये घूमना फिरना और लड़कियों के पीछे चलना बंद। हाँ। कोई जिम्मेदारी के टोकरे तुम भी अपने सर पे उठाओ। अपना जो नया होटल है ना, वो मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, कल से तुम होटल संभालोगे। होटल? पापा अच्छी तरह जानते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल सकता, इतना बड़ा काम मैं नहीं कर सकता। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं बच्चा हूँ। अब परसों मेरे दूध का दांत टूटा, देखो। कैसे टूटा दांत आपका? किसी लड़की ने सैंडल मारा होगा। तू चुप रह। खैर, उसको क्या डांटता, सही तो बोल रहा है। अरे मेरा इतना बड़ा कारोबार है, तू उसको कब संभालना शुरू करेगा? जब तेरे बाल सफेद हो जाएंगे, बूढ़ा हो जाएगा। और अगर कल तेरा कोई रिश्ता आ गया तो मैं लड़की वालों को क्या जवाब दूंगा कि ये मेरा बेटा क्या काम करता है? सीधा सा जवाब है डैडी, बहन को कॉलेज छोड़ने जाता है, बहन को कॉलेज से लेने आता है, और जिस दिन बहन कॉलेज ना जाए तो अकेला चला जाता है। क्यों ब्रदर? तू चुप रहे हो। शर्म नहीं आती है? फिर भी मुस्कुरा रहा है, सब मजाक उड़ाते हैं, हंसता रहता है। अबे गधे, ये बंद कर, बस जिम्मेदारियां संभाल, कल से तू होटल जाएगा, बस। चल अंजलि, कॉलेज जा। ब्रदर चले? चले, चल। भैया मैं एक बात सोच रही हूँ, आपके दिल की एल्बम में हजारों लड़कियों के फोटोग्राफ्स हैं, मगर उनमें से क्या कोई एक भी आप सिलेक्ट नहीं कर सकते जो मेरी भाभी बन सके? हा? सब में ऐब है, सब लड़कियों में ऐब है, कोई ढंग की लड़की मिलती नहीं, इसलिए तो सबको रिजेक्ट कर देता हूँ। पर भैया आप मुझे जनरल आइडिया तो दे दो ना कि आपको किस टाइप की लड़की चाहिए, तो शायद मैं आपके लिए कोई लड़की पसंद कर दूँ, यू नो। लड़की ऐसी होनी चाहिए जिसे देख कर लोग मुझे ये कहे कि वाह वाह प्रेम जी, ये जीती जागती गुड़िया कहाँ से उठा ला भाई, यू नो। खूबसूरत बाल, नशीली आंखें, हाइट बिल्कुल बिल्कुल मैचिंग मैचिंग होनी चाहिए, और मुस्कुराए तो ऐसा लगे जैसे कि कमल खिल रहा हो, और गुस्सा जब हो तो लाथुर का जलजला शर्मा जाए। भैया नमस्ते। कल्याणी जी, इतनी बड़ी सोशल वर्कर मेरे यहाँ? सिंघानिया साहब, काम ही कुछ ऐसा है कि आपकी मदद लेने को आना ही पड़ा। अरे आपकी पार्टी तो सत्ता में है, पावर है आपके पास, मेरे पास क्या है? खैर बैठिए। जी शुक्रिया। सिंघानिया साहब, मेरे इलाके में एक नाइट क्लब शुरू हुआ है जहाँ पर ब्राउन शुगर का खुलेआम व्यापार होता है। कॉलेज के लड़के लड़कियाँ क्लब से निकलने के बाद सड़कों पर ऐसे बेहयाई से घूमते हैं कि आसपास रहने वाले शरीफ और इज्जतदार लोगों का जीना हराम हो गया है। सिंघानिया साहब, इस क्लब के खिलाफ मैंने आवाज भी उठाई थी, लेकिन बड़े शर्म की बात है, ना ही पुलिस कुछ कर रही है और ना ही हुकूमत। इसलिए बड़ी उम्मीदें लेकर आपके पास मदद मांगने आई हूँ। कल्याणी जी, इस क्लब के बारे में बताकर आपने मुझ पर एहसान किया है। उसे देख रही है, मेरा गोद लिया हुआ बेटा देवा, ये जब मां की कोख में था तो उसकी मां को कोकीन की लत लग गई थी। अंजाम आपके सामने है, ये पागल पैदा हुआ, इसका जिस्म तो बड़ा हो गया लेकिन दिमाग बड़ा होने नहीं पाया, और दुनिया का कोई भी डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सका। तब से मैंने कसम खाई कि मैं कोकीन, ब्राउन शुगर, ड्रग्स का धंधा करने वालों को
रहने नहीं दूंगा, उन्हें मिटा दूंगा, ताकि हमारे देश के आने वाले नस्ल में कोई भी बच्चा ऐसा पाही जो ऐसा बेबस ना हो। अब जाइए, आज के बाद आपको वो क्लब दिखाई भी नहीं देगा। सिंगानिया साहब ने क्या होटल बनाया आपके लिए, वाह क्या बात है, यहाँ बैठकर राज करेंगे हमारे मुंबई लियो। मुंबई लियो? मुंबई का शेर। शेर शिकार करने के लिए जंगल में जाता है, ये नहीं कि गुफा में बैठा रहे। अरे आप क्यों टेंशन ले रहे, यहाँ तो शिकार खुद ब खुद चलकर आएगा आपके पास। वो कैसे? वो ऐसे कि होटल स्टाफ के लिए कुछ ही दिनों में इंटरव्यूज होने वाले हैं, और इंटरव्यूज देने के लिए एक से एक खूबसूरत लड़कियां आएंगी, और इंटरव्यू लेने वाला होगा प्रेम सिंघानिया। प्रेम सिंघानिया, इंटरव्यू में क्वालिफिकेशन की जगह मैं कंगन खनकने की बातें करूंगा, सर्टिफिकेट देखने की जगह मैं पायल खनकने की बातें करूंगा, जनरल नॉलेज की जगह मैं उनकी बाहू में बाहें डालकर घूमूंगा। और अगर मेरा दिल यो यो हुआ तो समझ लेना निकल पड़ी बापू। हेलो मिस्टर जॉनसन। हेलो, प्लीज। कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हुई? देर तो हो गई है मिस्टर राज सिंघानिया, क्योंकि हमारी शिपिंग कंपनी में जो शिप की कीमत आपने लगाई है उससे कहीं ज्यादा हमें बाहर की पार्टियों से ऑफर आए हैं, और एक अच्छा बिजनेसमैन कभी घाटे का सौदा नहीं करता। मिस्टर जॉनसन, हमसे सौदा करके किसी को घाटा नहीं होता, और फिर जब हम ऑफर करते हैं तो कोई हमें इनकार भी नहीं करता। और अगर मैं कर दूं तो? तो फिर आपको शहर के कबाड़ियों का पता जल्द से जल्द लगा लेना चाहिए। मगर वो क्यों? वो इसलिए कि जब कोई जहाज बम से उड़ा दिया जाए तो उसका स्क्रैप सिर्फ एक कबाड़ी खरीद सकता है। मैं समझ गया मिस्टर राज, मुझे आपका सौदा मंजूर हुआ है। अग्रीमेंट आप पढ़ लीजिएगा। की चमक को सामने बैठे हीरो को डिस्टर्ब कर रही है। देख देख कैसी तिरछी नजरों से देख रहा है ये हैंडसम, तो लाइन मार रहा है।
मेरी हीरो की रोशनी उसकी आंखों से दिल में उतर रही है। चलो अब चलते हैं। हाँ, वेदर कहाँ है? हाँ वो रहा। अब तक मुझे कोई ऐसी लड़की पसंद नहीं आई जो इस होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम कर सके या मेरे काम आ सके। अगर मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं मिली तो मैं आपका सर तोड़ दूंगा। मे आई कम इन प्लीज? आप तू जाबे आप आइए अंदर आइए आइए ना आइए आइए बैठिए। आपका नाम? पूजा। मैं पुजारी जी। मेरा मतलब है मैं प्रेम पुजारी। सर ये है मेरे सर्टिफिकेट्स। अरे सर्टिफिकेट क्या जरूरत है, आप तो खुद एक सर्टिफिकेट है। वैसे पर्सनल सेक्रेटरी का कोई एक्सपीरियंस है आपको? पर्सनल सेक्रेटरी? लेकिन ये इंटरव्यू तो रिसेप्शनिस्ट के लिए था। बिल्कुल, ये जॉब पर्सनल सेक्रेटरी के लिए है और भगवान ने आपको पर्सनल सेक्रेटरी के लिए ही बनाया है, वो भी सिर्फ मेरे लिए। मुबारक हो, आपको ये जॉब मिल गया। अच्छा? आज के बाद आप हमेशा मेरे साथ कांधे से कांधा मिलाकर आंखों में आंखें डालकर बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तरह। आप जानती हैं पर्सनल सेक्रेटरी का जॉब क्या होता है? नहीं। वो बॉस का सारा काम देखती है, प्राइवेट बातों को सीक्रेट रखती है और... ये क्या बदतमीजी है, मैं ठोकर मारती हूँ ऐसी नौकरी पर। एक्सक्यूज मी। यस सर। कल जो लड़की आपको हाथ दिखा रही थी? हाँ समझ गया सर। यहाँ वो आज आई नहीं, आज वो ड्यूटी पर है। ड्यूटी? हाँ एयर होस्टेस है ना सर। कहाँ? May I help you, sir? आप? वो मैं आपसे मिलने उधर रेस्टोरेंट गया था, तो उधर पता चला कि आप यहाँ हैं, प्लेन में हैं, तो मैं यहाँ चला आया। तो जो बात मुझे आपसे कहनी थी वो सबके सामने नहीं कह पाता, तो मैंने हो गया। आपका मतलब है मुझसे बात करने के लिए आपने पूरी फ्लाइट चार्टर कर ली? नहीं नहीं नहीं, वो मेरा छोटा भाई है ना। नहीं नहीं नहीं, इतना छोटा नहीं है, बड़ा है। मेरा मतलब है उम्र में मुझसे छोटा है। उसने कहा कि मैं जाकर आपसे बात कर लूं, लेकिन आस पास आप समझ गई ना? आप शायद समझा नहीं पा रहे। दरअसल वो क्या है ना, मैं आप एक ग्लास पानी मिलेगा? श्योर। सुनिए मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं, नहीं, आप इनकार कर सकती हैं। आपने बुरा तो नहीं माना ना मेरी बात का? लगता है आपकी बात प्लेन को बुरी लगी, लेकिन मुझे अच्छी लगी।